यहाँ पे पास में है एस्को ट्राइगॉस, वहाँ से ये 10 किलोमीटर 20 यूरो में आ गए हैं। इतना बढ़िया व्यू है और अभी हम इसके ये देखिए देख सकते हैं हमारे शहीद अंसारी जी अभी पोज देते हुए मुस्कुराते हुए देख सकते हैं। ये देखो भाई, हाँ चलो चलो चलो। एक्रोपोलिस है, आप देख सकते हो यही इसका मेन वो है, नीचे से आप देख रहे थे अभी ऊपर से है। यहीं पे ऐसे ही लोग आते हैं टूरिस्ट घूमने के लिए। तो यही एक पूरा पहाड़ है बेसिकली, इस पहाड़ में ही पूरा एथेंस का जो मेन मॉन्यूमेंट्स हैं आप देख सकते हो पूरा पहाड़ में ही बसा हुआ है। बस यही है कि इतने बड़े बड़े पिलर यहाँ ऊपर लेके कैसे आए होंगे या बनाया कैसे होगा। यहाँ ऊपर से पूरा एथेंस का नज़ारा दिखता है, बड़ा ही अच्छा लगता है। यहीं पे ही सब लोग टूरिस्ट लोग आते हैं मेन, आप देख सकते हैं यही एक है जो एथेंस का सबसे टूरिस्ट प्लेस कहा जाता है, लोग दूर दूर से आते हैं देखने। आप भी देखो देख सकते हो ये बहुत पुराना आर्किटेक्ट बना हुआ है, उसी के लिए बहुत फेमस है। देखिए इतने बड़े बड़े पिलर हैं, आधे पिलर तो फिलहाल टूट चुके हैं। एथेंस का गेट है और ये बड़े बड़े पिलर बने हुए हैं। इतने बड़े बड़े पत्थर इतने ऊपर कैसे लेके आए होंगे। और ये बहुत पुराना एथेंस का कल्चर भी है और भी इसको मेंटेन करने की कोशिश भी की जा रही है। चलिए चलते हैं, देखिए अभी एक ये पार्ट भी है, बहुत ही अच्छा है। अच्छा है बस आप देख सकते हो कि बहुत ही टूरिस्ट इसी को ही देखने आते हैं। ऐसे बात वही है कि जिसने देखा नहीं उसके लिए बहुत है, जिसने देखा उसके लिए कुछ भी नहीं। बेसिकली एथेंस इज फेमस फॉर दीज स्क्रिप्चर्स। अभी वापस शाम हो गई, अभी आ गए हम ग्रीस, बैंक ऑफ ग्रीस। ये भी बहुत बड़ा बैंक है, देखिए यहाँ बनाया जो तरीके से है, पुराना पुराने तरीके से बड़े बड़े ये बैंक ऑफ ग्रीस है। भाई और अभी अभी हम लोग आ चुके हैं एथेंस के, एथेंस में स्क्वायर ऑफ मोनार्थ थिराकी। यहाँ भी देख सकते हैं यहाँ ऊपर एक्रोपोलिस यहीं पे ही है और ये पूरा एरिया एकदम बढ़िया एकदम है। और यही एक स्ट्रीट है, एक ये स्ट्रीट है और एक इधर जो कि आप सब बोल दो, यहाँ पे ही मॉन्यूमेंट्स हैं, एक उधर है वो देखिए उधर, आप देख सकते हैं यहीं पे एक्रोपोलिस है, यहीं पे मेन बेसिकली एथेंस का यहीं पे है। और फिर आप छोटा छोटा मॉन्यूमेंट्स हैं, ये पूरी स्ट्रीट है यहाँ पे है बहुत ही अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे घूमने आ सकते हैं। सो वी आर एट स्क्वायर ऑफ मोनार्थ थिराकी एंड दिस इज द बेसिकली मेन प्लेस इन एथेंस। एंड हियर फॉर द फूड इन दैट स्ट्रीट यू कैन फाइंड द फूड इन दैट स्ट्रीट, इन अदर स्ट्रीट दीज स्ट्रीट यू कैन सी। Here you can find the souvenirs. Here is the good things. Here we can buy the cheapest thing more than, but you can say that okay. तो इधर आप देख सकते हैं बराबर से देख रहे हैं, यही है एक मेन जगह है। आप यहीं पे आइएगा स्क्वायर ऑफ मोनार्थ थिराकी। ओके बाय बाय, थैंक्स।